हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आपका स्वागत है, वेलकम है जूलॉजी विथ डॉक्टर एस के सैनी। हम बात कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन टॉपिक के अंदर, जो नीट के एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक कंसेप्चुअल टॉपिक है। इसमें हमने बात की अनेक प्रकार की जो ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है और उनकी स्ट्रक्चर से, जिसमें लोकेशन क्या है, कहाँ पर कौन सी ग्लैंड होती है, तो वन बाय वन करके अपन डिटेल कर रहे थे। डिटेल हमने स्टार्ट की थी पिट्यूटरी ग्लैंड और रिलेशन टू दी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों का क्या आपस में रिलेशन है, किस प्रकार से पिट्यूटरी ग्लैंड है वो अन्य ग्लैंड को कंट्रोल कर रही है और हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए पहले कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा था, अब मास्टर ग्लैंड कहा था, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस आ गई, तो इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अपन कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो आंसर होगा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड और प्रिंसिपल ग्लैंड है कौन सी है, तो हाइपोथैलेमस है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस यहाँ आरएच और आईएच दो प्रकार के हार्मोन रिलीज कर रहा है और वो हार्मोन यहाँ कंट्रोल कर रहा है पिट्यूटरी हार्मोन को, पिट्यूटरी के भी कौन से हार्मोन को, एडिनो हाइपोपाइसिस के हार्मोन को। इसलिए इसमें भी एडिनो हाइपोपाइसिस को अपन मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये बात हमने पूर्व में कर चुके हैं। अब वन बाय वन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में अपन बात करें कि किस प्रकार से ये हार्मोन है वो फंक्शन करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हैं और किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो आइए हम चलते हैं। पहला जो हार्मोन लेते हैं, आपको कुछ सिक्स प्रकार के एडिनो हाइपोपाइसिस के हार्मोन बताए थे, जिसमें जीएच हार्मोन, एसीटीएच हार्मोन, एलटीएच हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन और एमएसएच हार्मोन, ये बताए थे। और जिसमें गोनेडोट्रोपिन फिर दो प्रकार का होता है, एफएसएच और एलएच प्रकार का। तो वन बाय वन अपन इन हार्मोन के फंक्शंस करेंगे। तो इसमें पहला हार्मोन अपन करते हैं, तो देखिएगा जीएच हार्मोन, तो अपने हेडिंग यहां पर लिखा है जीएच और एसटीएच हार्मोन। जीएच और एसटीएच, जीएच फॉर ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच फॉर सोमेटोट्रोपिक हार्मोन अपन कह सकते हैं इसे। तो जीएच का मीनिंग जहां ग्रोथ से लिया गया है, तो मेन जो इसका जो फंक्शन है जीएच का, कार्य की बात करें कि किस प्रकार से शरीर के अंदर ये कार्य करता है, तो मेन जो इसका फंक्शन है बॉडी की ग्रोथ का फंक्शन है यहाँ। तो बाल्यकाल प्रावस्था में, शिशु प्रावस्था में, चाइल्डहुड में ये हार्मोन अत्यधिक मात्रा में अपने स्राव होके और ये एक निश्चित मात्रा ब्लड के अंदर सीक्रेट होके अपने बॉडी को ग्रोथ करवाती है, अपने बॉडी के ग्रो करवाने में हेल्पफुल है। अब ये ग्रो कैसे करवाती है, तब देखिएगा मोस्टली ये दो प्रकार के ऑर्गन्स पर फंक्शन कर रही है। ये पहला इसका बोन के ऊपर इसका इफेक्ट आता है और उसके साथ में सराउंडिंग टिश्यूज के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। तो बोन के ऊपर ग्रोथ अपन डायग्राम से अपन बताते हैं कि प्रारंभिक तौर पर बाल्यकाल प्रावस्था में कोई भी ये लॉन्ग बोन है, इस लॉन्ग बोन के अंदर जो ये पार्ट बनाए गए हैं, एक हिस्सा मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि ये लॉन्ग बोन है, इस लॉन्ग बोन के अंदर ये बीच का पार्ट है और ये यहाँ पर सेकंड पार्ट है, इसके ऊपर यहाँ पर ये इस प्रकार से ये अपन कह सकते हैं हेड पार्ट है। इस हेड पार्ट को अपन एपिफाइसिस के नाम से जानते हैं और इसके बीच में एक छोटी सी प्लेट यहाँ पर होती है और ये फिर यहाँ पर वापिस हेड होता है। इस प्रकार से कोई लॉन्ग बोन है, इस लॉन्ग बोन के ऊपरी पार्ट को अपन कहेंगे एपिफाइसिस, इसका नाम दिया गया एपिफाइसिस। दूसरे भाग को अपन कहते हैं मेटाफाइसिस, इस भाग को मेटाफाइसिस। और तीसरा जो भाग है इसको आप कहोगे डायफाइसिस। तो ये तीन भाग एक किसी भी बोन के है, ये तीन भाग है बाल्यकाल चाइल्डहुड की बोन के है, एडल्ट के अंदर इसके थ्री पार्ट्स नहीं होते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो अब ये एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस और डायफाइसिस, इसमें ग्रोइंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है मेटाफाइसिस इधर भी है और मेटाफाइसिस बोन के दूसरे साइड में भी है। यहाँ मेटाफाइसिस जहां पर ऑस्टियो, जहां ऑस्टियोसाइट सेल्स का एक ग्रुप होता है, यहाँ सबसे ज्यादा ऑस्टियोसाइट सेल होती है और इसके अंदर सेल डिवीजन की कैपेसिटी है वो सर्वाधिक होती है। तो जीएच हार्मोन इसी पार्ट के ऊपर आके कार्य करता है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जीएच रिलीज होगा और वो ब्लड में आएगा, ब्लड के द्वारा इसका जो टारगेट ऑर्गन है, पहला टारगेट ऑर्गन यहाँ पर बोन होती है, तो इस बोन के ऊपर काम करेगा, तो बोन के मेटाफाइसिस पर काम करेगा और मेटाफाइसिस को इंड्यूस करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसके लिए, यहाँ पर इसके सेल को इंड्यूस करेगा, किसके लिए, डिवीजन करने के लिए। यहाँ पर सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा और माइटोसिस के कारण ये बोन है इधर भी ग्रोथ करेगी, इधर भी ग्रोथ करेगी। इसलिए बोन के लिए कहते हैं कि बोन में ग्रोथ है वो बाई डायरेक्शनल होती है, क्योंकि दोनों
साइड में यह मेटाफाइसिस पार्ट है, प्लेट है, वो क्या है यहाँ पर डिवीजन करके बोन को दोनों साइड में यहाँ पर ग्रो करवा देगी है, इसलिए बाई डायरेक्शनल टाइप की ग्रोथ होती है। और जिससे एनिमल की, जिससे ह्यूमन की या कोई भी एनिमल है जिसकी ग्रोइंग क्या है शुरू हो जाती है या ग्रोथ शुरू हो जाती है, तो ग्रोथ के लिए जो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल पार्ट है वो मेटाफाइसिस है, और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल जो हार्मोन है वो ग्रोथ हार्मोन है। तो ये बात आपकी यहाँ पर समझ में आ गई होगी। एक निश्चित एज के बाद में ये मेटाफाइसिस यहाँ पर वो डिजोल्व हो जाता है, ये यहाँ पर इस प्रकार ये यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगा, और ये इसलिए बोन है फिर इसको अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें एक पार्ट एपिफाइसिस और दूसरा पार्ट है वो डाइफाइसिस। अर्थात एडल्ट बोन के अंदर मेटाफाइसिस है वो नहीं होता, इसलिए एक एक निश्चित एज के पश्चात व्यक्ति की या कोई भी एनिमल की है वो ग्रोथ है वो नहीं हो पाती है, ग्रोथ है वो रुक जाती है। क्यों नहीं होती कि बोन के अंदर मेटाफाइसिस है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और डाइफाइसिस ही यहाँ पर रहता है। तो ये फिर आगे नेक्स्ट फंक्शन जैसे एरिथ्रोपोइसिस जैसे फंक्शन है या ब्लड फॉर्मिंग के फंक्शन यहाँ पर करते हैं। तो इस प्रकार से इस बोन की ग्रोथ में ये हेल्पफुल है। इसी बोन की ग्रोथ के साथ इस बोन के चारों तरफ कोई भी बोन है इसके चारों तरफ जो सेल टिश्यूज पाए जाते हैं इसकी ग्रोथ में भी क्या है ये हार्मोन हेल्पफुल है। तो बोन और टिश्यू दोनों साइमल्टेनियसली यहाँ पर ग्रोथ कर रहे हैं, तो ऐसी ग्रोथ को अपन प्रोपोर्शनेट ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए और भी कई हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे थायरोक्सिन भी क्या है ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पर थायरोक्सिन पर्टिकुलर एक सिंगल टिश्यू के ऊपर एक्ट होकर उसको ग्रोथ करवाता है, बट यहाँ ये टिश्यूज को विसरल टिश्यूज को और बोन को एक साथ अपने प्रोपोर्शनेट एक अनुपातिक ग्रोथ करवाने में हेल्पफुल है, जिसके कारण बॉडी की एक स्ट्रक्चर अनुपातिक तौर पे क्या है ग्रो होती है। तो इस प्रकार से जो पहला इसका मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन था ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑर्गन, तो जितने भी अपने बॉडी ऑर्गन है उसमें सेल डिवीजन करवा के और ग्रोइंग करवाने में क्या हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से आप पहले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन को डिस्क्राइब कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट ये क्या कार्य करता है ग्रोथ हार्मोन, एक बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि फंक्शन की दृष्टि से अपन देखें या मैकेनिज्म की दृष्टि से अपन देखें तो अपन इसे समझ सकते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है कि ये डीएनए आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एक्चुअल में जीएच हार्मोन क्या करेगा, जैसे जीएच हार्मोन है ये हार्मोन आएगा कहां पर, लीवर के ऊपर आएगा, लीवर के अंदर कार्य करेगा, और लीवर फिर एक यहां प्रोटीन बनाती है, इसको अपन कहते हैं सोमेटोमेडीन प्रोटीन, ध्यान रखना यहाँ पर सोमेटोमेडीन प्रोटीन यहाँ पर नाम ले रहा हूं। ये सोमेटोमेडीन प्रोटीन एक लीवर हार्मोन के रूप में भी अपन इसे जानते हैं, ये सोमेटोमेडीन फिर इंक्रीज कराता है यहाँ पर एक्टिविटी को, कौन सी एक्टिविटी को, डीएनए सिंथेसिस की एक्टिविटी इंक्रीज करवाता है, आरएनए सिंथेसिस की एक्टिविटी इंक्रीज करवाता है, और इसके साथ में प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी इंक्रीज करवाता है। तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन भी होगी, अपन कहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन को इंक्रीज करवा रहा है। मेटाबॉलिक फंक्शन में अपन देखें कि कौन कौन से यहाँ पर फंक्शन को इंक्रीज करवा रहा है, तो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को इंक्रीज करवा रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस में अपन कह सकते हैं किस प्रकार की क्रिया है, तो मेटाबॉलिज्म में ये एक प्रकार की एनाबोलिक की क्रिया है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में एक प्रोटीन एनाबोलिक क्रिया को इंक्रीज करवा रहा है, जबकि प्रोटीन कैटाबोलिज्म की क्रिया को ये डिक्रीज करवा रहा है। इसी के साथ में प्रोटीन सिंथेसिस से जब इंक्रीज करवाएगा तो सेल के साथ में क्या क्रिया होगी, तो देखिएगा इसके साथ में अपने को एमिनो एसिड चाहिए, तो ये एक यहाँ पर ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में जीएच जैसे इंक्रीज होगा, यहाँ जीएच इंक्रीज होगा, इसके पास में कोई सेल यहाँ पर पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पर जीएच हार्मोन किसी सेल की परमिबिलिटी, यहाँ पर ध्यान लगेगा सेल की सेल वाल सेल मेम्ब्रेन है, इसकी परमिबिलिटी इंक्रीज करवाता है, किसके लिए, एमिनो एसिड के लिए परमिबिलिटी इंक्रीज करवाता है। तो इससे आपके ब्लड के अंदर जितने एमिनो एसिड है अधिक से अधिक एमिनो एसिड सेल के अंदर एंटर करेंगे, और सेल के अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पर न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की क्रिया बढ़ेगी, और जिससे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा और अधिक से अधिक एमिनो एसिड का उपयोग यहाँ पर हो पाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर एक नेक्स्ट फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस के साथ में बड़ा कंसेप्चुअल फंक्शन है यहाँ पर, कि यहाँ कैसे करवाता है प्रोटीन सिंथेसिस की एक्टिविटी को इंक्रीज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को सेल मेम्ब्रेन की प्रोबेबिलिटी है इसको इंक्रीज करवाएगा, जिस किसके लिए एमिनो एसिड के लिए, जिससे ब्लड में अधिक से अधिक एमिनो एसिड है वो जो है वो यहाँ पर ट्रांसफर होंगे, यहाँ पर इसके परमिबल होकर या इसके डिफ्यूजन की मेथड से इसके अंदर आएंगे, सेल के अंदर आएंगे, जिससे प्रोटीन जब सिंथेसिस हो रहा है तो उसके लिए आवश्यक एमिनो एसिड है वो यहाँ पर मिलेंगे, और अपने अपने बॉडी की बिल्डिंग जो अपन कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो प्रोटीन होता है,
है उसके बनाने में यहाँ पर हेल्पफुल है। तो इस प्रकार से ये एनाबोलिक एक्टिविटी को क्या इंक्रीज करता है और प्रोटीन की कैटाबोलिक क्रिया को, दूसरी क्रिया प्रोटीन की कैटाबोलिक एक्टिविटी को ये डिक्रीज करने में हेल्पफुल है। तो ये एक प्रकार का यहाँ पर इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद में तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये ब्लड के अंदर, यहाँ पर ध्यान लगे ये क्या है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल या जैसे जीएच का लेवल है यहाँ पर इंक्रीज होगा तो इस ये जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन है इसके अंदर यहाँ पर ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज के लेवल को ये इंक्रीज करवाता है ब्लड के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट नेट कोई भी एग्जाम है उसके अंदर ये पूछते हैं कि जीएच का लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता है तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता है। क्यों होता है, इसलिए कि ये ग्लूकोज के लिए जो परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी को कम करवाने में हेल्पफुल है। जो ग्लूकोज के लिए परमेबिलिटी है वो परमेबिलिटी डिक्रीज करता है, एमिनो एसिड के लिए तो इंक्रीज करता है जीएच, लेकिन ग्लूकोज के लिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर परमेबिलिटी है वो डिक्रीज कर रहा है। जैसी परमेबिलिटी डिक्रीज होगी तो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाएगा, सेल के अंदर नहीं जाएगा तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर यहाँ इंक्रीज कर गया। इसलिए इस हार्मोन को अपन एक तीसरा वर्ड भी काम में ले सकते हैं, हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर के रूप में भी जानते हैं। इस हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इसके अंदर अधिक हो गया, क्योंकि सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल है वो कम हो गया है यहाँ पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ फंक्शन है। तो सेल के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो अब सेल को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कहां से मिलेगी, तो ऊर्जा यहाँ पर फैट से मिलेगी, इसलिए फैट का यहाँ पर डिग्रेडेशन होगा और क्रिया कौन सी होगी, यहाँ लाइपोलाइसिस की, लिपोलाइसिस की, लिपोलाइसिस अपन कह सकते हैं, लिपोलाइसिस होगा। तो सेल के अंदर है वो लिपोलाइसिस है वो बढ़ेगा यहाँ पर, जिससे ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन के द्वारा ऊर्जा अपने को मिलेगी। तो यहाँ फैटी एसिड ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं उस समय सेल को। इसके बाद में आप देखिएगा यहाँ ग्लूकोज बढ़ रहा है, ग्लूकोज यहाँ ज्यादा क्यों आवश्यक है, कि जैसे जैसे बॉडी की ग्रोथ हो रही है उस समय नर्व सिस्टम की भी ग्रोथ हो रही है। तो नर्व सिस्टम केवल ग्लूकोज को कंज्यूम करता है, नर्व सिस्टम केवल जो एनर्जी जो लेता है वो ग्लूकोज से लेता है। क्यों ले रहा है, कि अपने जो न्यूरॉन है वो ओनली ग्लूकोज के लिए परमीएबल है, नर्व सिस्टम में अपने बात की थी है, इसलिए यहां से ज्यादा ग्लूकोज लेने का प्रयास करेगा कौन, अपने न्यूरॉन, अपना नर्व सिस्टम। इसके बाद में आप देखिए मैंने कहा कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इसे हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर कहते हैं। अब यहाँ ग्लूकोज का लेवल बढ़ाते हैं एक हार्मोन और, अब आप जानते हैं अपन आगे बढ़ेंगे, एक हार्मोन है जो अपने ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम करता है वो कौन सा है, इंसुलिन हार्मोन है। तो इसका मीनिंग है इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर हुआ। तो इंसुलिन और जीएच हार्मोन दोनों हार्मोन एक दूसरे के एंटी काम कर रही है, इसलिए दोनों हार्मोन को अपन एंटागोनिस्टिक हार्मोन कहेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि इंसुलिन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन इज ए एंटागोनिस्टिक टू दी ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन के लिए एक विपरीत काम कर रहा है, एंटागोनिस्टिक काम कर रहा है। कैसे कर रहा है, कि इंसुलिन है ग्लूकोज का लेवल कम करता है जबकि ये ग्लूकोज का लेवल यहाँ पर बढ़ाता है। क्यों बढ़ा रहा है, क्योंकि यहाँ सेल की परमेबिलिटी है ग्लूकोज के लिए कम कर देता है, इसलिए ग्लूकोज सेल के अंदर कम जाएगा। उस समय ऊर्जा है वो लिपिड से मिलेगी, फैटी एसिड से मिलेगी, तो लिपोलाइसिस है यहाँ पर इंक्रीज होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट फंक्शन है, मैंने कहा कि ये सेल डिवीजन इंक्रीज कर रहा है तो ग्रोथ के लिए सेल डिवीजन आवश्यक है, तो माइटोटिक एक्टिविटी है वो इंक्रीज करने में हेल्पफुल है। इसके अलावा ये ब्लड के अंदर कैल्शियम अब्सॉर्प्शन है वो इंक्रीज करवाता है, जो कि फिर अपने बोन के अंदर जाके जमा हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है यहाँ पर कर रहा है, ये आरबीसी फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करने में हेल्पफुल है। ये बोन के अंदर, बोन मैरो में जाके आरबीसी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसको स्टिमुलेट कर रहा है, उनको इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ब्लड के निर्माण में, ब्लड के फॉर्मेशन में भी यह हार्मोन हेल्पफुल है, लेकिन मेनली आप ध्यान रखें आरबीसी फॉर्मेशन में मेनली हार्मोन हेल्पफुल कौन सा हार्मोन है, तो इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन है, वो मेनली आरबीसी रेस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसी फॉर्मेशन इन आवर बॉडी, बट पार्शियली यहाँ पर हेल्पफुल है जीएच हार्मोन। अन्य हार्मोन भी है जो पार्शियली आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्पफुल आगे अपन करेंगे, जैसे ग्लूकागोन हार्मोन है या अन्य हार्मोन जो जैसे वन बाई वन बन करेंगे तो वहां पर आपको बताएंगे। तो स्टिमुलेट कर रहा है कौन, आरबीसी को, कौन ये जीएच हार्मोन पार्शियली। तो मेनली आरबीसी फॉर्मेशन कौन कर रहा है, इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन इज सीक्रेट बाय द किडनी, यानी स्पेशल ध्यान रखना किडनी भी हार्मोन सीक्रेट कर रही है, कौन सा, इरिथ्रोपोएटिन, और वो हार्मोन क्या है यहाँ पर बोन मैरो पर जाके फंक्शन करके आरबीसी फॉर्मेशन को या इंक्रीज करवाता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न जो
हार्मोन है, ये जो जीत है विभिन्न कार्य करने में हेल्पफुल है और शरीर की मेनली यहाँ पर कह सकते हैं कि और हाल अपन इसको समराइज करके कहें कि जीत क्या कर रहा है तो अपने शरीर के अंदर शरीर के उत्तकों की या शरीर के ऑर्गन्स की ग्रोथ करवाने में यह हार्मोन हेल्पफुल है। यदि हार्मोन की अबनॉर्मलिटीज हो जाए, यदि अपने शरीर में किसी कारणवश किसी भी समय किसी भी एज ग्रुप में, वह एज ग्रुप चाइल्डहुड हो सकता है ये एज ग्रुप या एडल्ट हो सकता है, तो किसी प्रकार की अबनॉर्मलिटी अपने अंदर हो जाए तो ये क्या कर सकता है, तो इस हार्मोन की जीएच की अबनॉर्मलिटी को अपन दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक भाग को अपन कहेंगे हाइपो और एक भाग को अपन कहेंगे हाइपर। तो हाइपो सीक्रीशन, हाइपो सीक्रीशन और दूसरा जीएच अपन कह सकते हैं कि हाइपर सीक्रीशन, हाइपर सीक्रीशन। तो ये दो प्रकार की अबनॉर्मलिटी है, यदि अपने शरीर में जीएच की कमी हो गई या अपने जीएच की वृद्धि हो गई। अब हाइपोसिक्रीशन भी दो कंडीशन हो सकती है, एक चाइल्डहुड कंडीशन में और एक एडल्ट कंडीशन में। यहां पर ये है चाइल्डहुड बाल्यकाल प्रावस्था में यदि जीएच की कमी हो गई और एक एडल्टहुड, एडल्टहुड या वयस्क प्रावस्था में जीएच की कमी हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा। चाइल्डहुड बाल्यकाल प्रावस्था में जीएच कम हो गया, मान लो ये जीएच है और ये जीएच बाल्यकाल प्रावस्था में कम हो गया है, अब क्या होगा, तो कम कौन सा प्रभावित होगा, तो सबसे पहले मैंने कहा इसका काम है ग्रोथ का, तो आपकी जैसे जीएच कम होगा तो अपनी जो ग्रोथ है बॉडी की ग्रोथ है, प्रोपेशियोनेट ग्रोथ है, बोन की ग्रोथ है, उत्तकों की ग्रोथ है, वो यहां पर रुक जाएगी, ग्रोथ यहाँ पर डाउन हो जाएगी और स्टंट हो जाएगी ग्रोथ, और ऐसा पर्सन ऐसा बेबी है वो एक निश्चित हाइट 2 फुट या 2.5 फुट 3 फुट तक ही अपना आपको ग्रो कर पाएगा, तो ऐसे रोग को अपन कहते हैं यहाँ पर, इस प्रकार की डिजीज को अपन कहेंगे ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म के नाम से इसे जानते हैं, अर्थात हिंदी में से कहते हैं बोनापन जैसी शिकायत, बोनापन जैसा यहाँ पर रोग हो जाता है, कब, जब जीएच की कमी इन चाइल्डहुड हो जाए। अब बोनापन हो जाए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी बच्चे हैं जिसके अंदर जीएच की कमी हो गई वो हो सकता है हेड ही कम हो, लेकिन जीएच अपने ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालता है, इस चीज को आप ध्यान रखें। जीएच बोन अपने ब्रेन है, अपने नर्वस सिस्टम है, उसके डेवलपमेंट में इसका बहुत ज्यादा कोई इसका रोल नहीं है, इसलिए नर्वस सिस्टम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वैसे क्या है इसकी ग्रोथ है वो ओवरऑल बोन की ग्रोथ टिश्यूज की ग्रोथ है वो कम होगी, जिससे व्यक्ति का बोना हो जाएगा ऐसे। तो आप कहें कि ब्रेन के डेवलपमेंट में कौन हेल्पफुल है, तब आपको थायरोक्सिन हार्मोन ब्रेन के डेवलपमेंट में, नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, यदि थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो भी व्यक्ति बोना होता है, जीएच की कमी हो जाए तो भी बोना होता है, लेकिन इस बोने और उस बोने में दोनों में अंतर है। अंतर क्या है यहां पर कि यदि थायरोक्सिन की कमी से जो बोना बनता है वो मेंटल रिटार्डेड होता है, यहां पर ये व्यक्ति बोना तो होगा लेकिन मेंटल रिटार्डेड नहीं होगा, वह नहीं होगा, मेंटली वो फिट होगा, फिजिकली वो हो सकता है कमजोर हो, सेक्सुअली वो हो सकता है, सेक्सुअली भी हो सकता है कमजोर हो या लेट डेवलपमेंट हो, सेक्सुअली फिजिकली लेट डेवलपमेंट हो, मेंटली भी ये डेवलपमेंट होगा लेकिन कमजोर नहीं होगा। तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे सर्कस देखते हैं, सर्कस के जोकर क्या है, एक उसके अंदर मेन जो रोल होता है उस सर्कस का, जोकर नामक एक उसका अभिनय करने वाला एक प्राणी एक व्यक्ति होता है, वो सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत हाइट में कम होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के अंदर जीएच की कमी होती है, लेकिन आप देखिए उसका मेंटल क्या है बहुत ज्यादा काम करता है, वो सामने देखे बैठे रहने वाले जितने भी ऑडियंस है उसको बहुत अच्छी तरह हंसाता है, उसे उनके साथ प्ले करता है, उनको क्या प्लेजर बिहेव करता है उनके साथ में, तो सबको एक साथ हंसाना एक सामान्य व्यक्ति की एक इडियट व्यक्ति नहीं कर सकता, ये एक बुद्धिमत्ता की बात है, एक मेंटल एबिलिटी की बात है, जो भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा अपने भिन्न भिन्न व्यवहार के द्वारा आपको खुश रखने का प्रयास करता है उस जोकर के द्वारा, इसका मीनिंग वो मेंटली फिट है या मेंटली किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं हुई है, तो ये ड्वार्फिज्म में एक रोग हो गए। इसी प्रकार चाइल्डहुड से एडल्टहुड हो गया, एडल्टहुड के अंदर मान लो जीएच की कमी हो गई, तब आप देखिए एडल्ट के अंदर जीएच की कमी हो गई तो ग्रोथ तो हो चुकी है उस व्यक्ति की, तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आता है इसका, कि एडल्ट के अंदर जीएच कम हो गया तो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं आएगा, फिर भी आपन और देखें क्या हो सकता है। तो एडल्ट के अंदर जीएच की यदि कमी हो गई तो सबसे पहले सेल डिविजन डाउन हो गए, आपन कह सकते हैं सेल का सेल डिविजन है वो यहां पर कम हो जाएगा, और सेल डिविजन जैसे ही कम हो जाएगा तो बॉडी का इंटरनल या बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट में कहीं पर जो रिपेयरिंग करनी होती है वो रिपेयरिंग नहीं हो पाएगी, अपने बॉडी के जो कोलेजन फाइबर्स है वो यहाँ पर माइटोसिस नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण एजिंग है वो प्री एजिंग या अर्लियर एजिंग आ जाएगी, यहाँ पर एजिंग है
वो सामान्य से पहले आ जाती है। तो कब एडल्ट में जीएच की यदि कमी हो जाए तो बुढ़ापा थोड़ा सामान्य से पहले आ जाता है, एजिंग पहले आ जाती है, अर्लियर एजिंग हो जाएगी। तो ऐसी डिजीज के लिए एक नाम दिया गया, इस डिजीज को अपन साइमंड डिजीज के नाम से, साइमंड रोग के नाम से जानते हैं। साइमंड सबसे पहले डिस्कवर करने वाला बताने वाला वैज्ञानिक था, इसलिए उनके रेस्पेक्ट में नाम दे दिया गया साइमंड डिजीज, जो क्या एडल्ट अवस्था में जीएच की कमी से होता है। तो इस प्रकार से ये दो डिजीज आपके पास समझ में आई होगी, एक ड्वार्फिज्म और दूसरा यहाँ पर साइमन डिया। ड्वार्फिज्म में चाइल्डहुड में कमी होने से जीएच की, और यहाँ पर साइमन डिजीज कब होती है तो एडल्ट अवस्था में जीएच की कमी से। इसी प्रकार दूसरे केस है हाइपर सिक्रीशन। हाइपर सिक्रीशन के अंदर है, इसे फिर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वही चाइल्डहुड के, चाइल्डहुड बाल्यकाल अवस्था में अधिक हो जाए, और एडल्ट कंडीशन में इसकी मात्रा अधिक हो जाए। तो चाइल्डहुड में यहाँ पर जीएच अधिक हो जाए, ओवर सिक्रीशन ऑफ जीएच इन द चाइल्डहुड, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही ओवर सिक्रीशन होगा तो इसका इफेक्ट सबसे पहले बोन पर और सराउंडिंग टिश्यूज में पड़ेगा, और इसमें होने पर बोन क्या ओवर ग्रोथ करेगी, उसके साथ में टिश्यू ओवर ग्रोथ करेंगे, और जिससे उसके आकार, बॉडी का शेप और साइज है वो एक अत्यधिक अतिकाय के रूप में हो जाता है, जिसे भीम काय, अतिकाय या जाइजेंटिज्म रोग कहते हैं। तो इससे जो रोग होने वाला है, इस रोग को जाइजेंटिज्म रोग हो जाता है। ये जाइजेंटिज्म का मतलब अतिकाय या महाकाय का, जैसे आप टीवी के अंदर कई बार ऐसे बेबी देखते हैं, उनका शो आता है जो हाइपरट्रॉफी के बेबी है, जो ओवर वेट के बेबी है, और वो ओवर वेट के बेबी का कई बार दिखाते हैं ऐसे टीवी के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर आता है, या एक जाना पहचाना प्रसिद्ध जो व्यक्ति है, खली नाम का व्यक्ति है, वो किसका शिकार है, जाइजेंटिज्म का शिकार है, जो जिसके चाइल्डहुड में जीएच ज्यादा हो गया, और ज्यादा होने से बोन और सराउंडिंग टिश्यूज की ग्रोथ है वो आवश्यकता से ज्यादा हो गई, तो ऐसे रोग को अपन जाइजेंटिज्म के रूप में अपन जानते हैं। इसी प्रकार दूसरा एडल्ट अवस्था में यदि हार्मोन अधिक हो जाए, जीएच अधिक हो जाए, एडल्ट हुआ हो गया पे, उसमें ही हार्मोन अधिक हो जाए तो इसका क्या इफेक्ट आएगा, तो एडल्ट के अंदर यदि हार्मोन अधिक हो जाए तो इसका इफेक्ट कहां आएगा, तो बोन के अंदर। अब क्या है, ये जैसे बोन है, इस बोन में अब लेंथ तो बढ़नी क्या बंद हो गई, तो इसकी थिकनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहां पर ध्यान रखिएगा, बोन की थिकनेस है वो बढ़नी यहां पर शुरू हो जाती है, तो बोन की मोटाई जैसे बढ़ेगी तो इररेगुलर ग्रोथ यहां पर हो जाती है। इसका सबसे पहला इफेक्ट अंगुलियों पे आता है, अपने फिंगर्स की मोटाई है वो इस प्रकार से बढ़ जाती है, या फिंगर की कई बार ये थिकनेस बढ़ जाएगी, और ये थिकनेस बढ़ जाएगी यहाँ। इसी प्रकार अपने यहाँ बैकबोन है वो इंक्रीज हो जाती है, इसी प्रकार अपने जो नोज है, नोज इंक्रीज हो जाती है, या इसकी क्या बोन है वो यहाँ पर फेड हो जाएगी। ऐसे अपन चिन है, वो चिन अपने है, यहाँ से क्या है जो है वो अपन कह सकते हैं प्रोग्नेथस टाइप का जो हो जाता है यहाँ पर, तो ये क्या है इसकी लेंथ बढ़ जाती है, यहाँ पर चिक बोन है ये बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाएगी। इस टाइप के जीभ अपनी मोटी हो जाती है, थिकनेस बढ़ जाएगी, तो इस टाइप के करेक्टर यहाँ पर आ जाते हैं। कब, जब जीएच एडल्ट के अंदर अधिक हो जाती है, तो ऐसे करेक्टर जैसे डेवलप होते हैं तो इस डिजीज को अपन कहेंगे यहाँ पर एक्रोमिगेली टाइप का, एक्रोमिगेली रोग कहते हैं। सामान्य रूप से इसे पिट्यूटरी एक्रोमिगेली कहेंगे, जिसके कारण अनियमित रूप से अपने बोन हो गए, बट कई बार इसे बैकबोन जिसे अपन कहते हैं, ये बैकबोन यहाँ पर जो अंशमेखला के पास में ये बोन है, अंशमेखला है, ये कई बार अति वृद्धि हो जाती है इसकी एडल्ट कंडीशन में, तो इसका एक नाम और भी दे दिया जाता है इसे काइफोसिस। इस रोग को काइफोसिस के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार के कई बार अपन देखते हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें ये दोनों पैर है उसमें एक पैर की लेंथ है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है, तो व्यक्ति कैसी तक नहीं चल पाता, तो इस टाइप के लक्षण है करेक्टर डेवलप होते हैं, तो इसे अपन क्या कहेंगे एक्रोमिगेली के नाम से इसे जानते हैं। तो ये इस प्रकार से करेक्टर यहाँ डेवलप हो गए। तो ये अपन कह सकते हैं कि हाइपरसिक्रीशन या हाइपरसिक्रीशन किसका जीएच का हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे, तो ये रोग यहाँ पर सब यहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो ये बात आपके यहाँ समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से एक जीएच हार्मोन को अपन यहाँ पर समझा सकते हैं और बता सकते हैं। ऐसे ही फिर ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन था जिससे कि क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ये। ऐसे ही दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन हार्मोन था। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो एसिडोबिल कोशिका के द्वारा स्रावित किया जाता है। एसिडोबिल कोशिका दो हार्मोन स्रावित करती है, एक हार्मोन यहाँ जीएच और दूसरा प्रोलैक्टिन या एलडीएच हार्मोन कहते हैं, जो
प्रोलैक्टिन हार्मोन यहाँ पर जिम्मेदार पी एल प्रोलैक्टिन हार्मोन है, ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? तो ये मोस्टली अपने मेमोरी ग्लैंड के ऊपर स्टिमेल के अंदर काम करता है, मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, लोब्यूल के डेवलपमेंट में या डक्ट की मेमोरी डक्ट है उसके डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल है, और इसके साथ में आफ्टर पार्चुरेशन है ये मिल्क सिंथेसिस में ये हेल्पफुल है, दूध के निर्माण में ये हेल्पफुल है। तो ये एसिटोपिल का दूसरा हार्मोन है, इसकी और डिटेल हम आगे करेंगे। तो बेसिक आप यहाँ पर ध्यान रखें कि पीएल और जीएच क्या काम करती है। तो इस प्रकार से आपके ये समझ में आया होगा, मैं समझता हूँ। इसको वीडियो को एक बार नहीं, दो बार तीन बार आप देख के और अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, और मैं अब आपसे अच्छी तरह इसके कंसेप्ट समझ के, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में फैलाएं जिससे अपन अच्छा काम कर सकते हैं। तो मैं अब थैंक यू वेरी मच।